आतिशबाजी को अलग अलग रंग कौन देता है? अलग अलग लवण जो जलते हैं अलग अलग रंगों के साथ। वैज्ञानिकों को काफी अरसे से पता है कि हर एलिमेंट तत्व जलने पर एक विशिष्ट रंग पैदा करता है। सीडी स्पेक्ट्रोस्कोप इसी विज्ञान पर टिका है। इसे बनाने के लिए चाहिए ये सामान: एक पुरानी सीडी, मोटा काला चार्ट पेपर, सफेद कागज की शीट, कैची, लंबा रूलर और चिपकाने के लिए कोम। सब चीजों को जमा कर लें और इस डिजाइन को ध्यान से देखें। यही आपको सफेद कागज और काले चार्ट पेपर पर भी बनाना है और काटना है। इस डिजाइन को ध्यान के साथ कागज पर बनाएं और फिर काट लें। एक सफेद, दूसरा काला। अब सफेद को काले के ऊपर चिपका दें। दोनों खाके के अनुसार, एक तरफ काला, दूसरी तरफ सफेद। अब बनानी है दो खिड़कियां या दरारें, इस तरह, एक प्रकाश के अंदर आने के लिए और दूसरी अंदर झांकने के लिए। निशान लगाएं, दोनों काफी महीन दरारें हैं, दोनों की जगह पर ध्यान दें, इस तरह कोन पर सावधानी और सफाई से उन्हें काट लें। हम बना रहे हैं सीडी स्पेक्ट्रोस्कोप। अब समय है रेखाएं खींचने का, उन जगहों पर जहां से हमें इसे मोड़ना है। रूलर का इस्तेमाल करें। और अब मोड़ना शुरू करें। गौर से देखें कौन सा हिस्सा अंदर जा रहा है और कौन सा बाहर। अंदर की तरफ काला है, बाहर की तरफ सफेद। हमें बनाना है एक त्रिकोणीय डिब्बा। डब्बा हो जाए तैयार तो चिपकाना शुरू करें। अच्छी तरह चिपकाएं ताकि अंदर प्रकाश लीक ना हो और डब्बा अपना आकार बनाए रखे। अब बारी है सीडी की। रिकॉर्डिंग की तरफ डब्बे के अंदर, उल्टी तरफ बाहर। टेप का प्रयोग करें और उसे चिपका लें। आपका स्पेक्ट्रोस्कोप तैयार। सीडीज में महीन लाइनें होती हैं एक दूसरे के बहुत पास।
इन्हीं के कारण प्रकाश डिफ्रैक्ट होता है, विवर्तन होकर वो बनाता है कुछ विशिष्ट लाइनें, चमकीली रंगीन लाइनें, जो कैसी होंगी निर्भर करता है इस बात पर कि प्रकाश का स्रोत क्या है। इसके लिए थोड़ा अभ्यास जरूरी। आपको अपनी नजर नीचे सीडी की चमकीली सतह पर रखनी है और ऊपरी खिड़की प्रकाश के स्रोत की ओर। एक डार्क येलो लाइन उस होल से आ रही है और अच्छे से दिख रही है। प्रकाश के अलग अलग स्रोतों का मुआयना करें। क्या सीडी पर लाइनें बदलती हैं? स्पेक्ट्रल लाइंस कुछ ऐसी दिखती हैं। ये विशिष्ट लाइंस हैं जिनसे एलिमेंट्स तत्व पहचाने जा सकते हैं। निरीक्षण परीक्षण करते रहें। क्या पता शायद आपको भी कुछ नया मिल जाए। याद रखें, वो स्पेक्ट्रोस्कोप्स ही हैं जिन्होंने हमें बताया है कि सूरज के अंदर क्या है। आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके अनुभव, आपके विचारों का स्वागत है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।